लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आज कोरोना महामारी के इस दौर में हमारा देश तेजी से इस बीमारी से संक्रमित हो रहा है। इस बीमारी से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन इस दौरान हमारे देश में मानवता के भी कई उदाहरण पेश किए जिसके बारे में आए दिन चर्चा होती रहती है। इसी बीच हमारी मुलाकात बिलासपुर शहर के मारवाड़ी समाज के युवाओं से हुई। इनकी पहल काफी सराहनीय है। इन युवाओं ने नगर निगम के मार्गदर्शन में रेलवे स्टेशन में आने वाले सभी मजदूरों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी उठाई है। बता दें कि अलग अलग प्रांत में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक ट्रेनों को चालू किया है, जिसके लिए कई सामाजिक संस्थानों ने खाने और पानी की व्यवस्था कर मानवता का एक सही परिचय दिया है। चलिए, हमें बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में, ये बिलासपुर का रेलवे स्टेशन, बिलासपुर का जोन है, जहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बताएंगे कि क्या योजनाएं और क्या सेवाएं हैं आपकी। मारवाड़ी युवा मंच हमारी संस्था है जी, जिसकी बिलासपुर शाखा हमारे 51 सदस्य हैं। हम यहाँ पर COVID-19 के दौरान विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रशासन की मदद से कर रहे हैं, और इसमें हमने जब से COVID-19 का काम चालू हुआ है तब से सेवा दे रहे हैं। नगर निगम द्वारा जैसा जहाँ पर रिक्वायरमेंट बताया जाता है वैसा हम करते हैं। करीब करीब 200 से 250 पाउच खाने के एक टाइम पे हमने करीब 1.5 महीने करीब दिए हैं। इसमें लगभग समझ लीजिए प्रतिदिन 500 पाउच करीब करीब खाने के दिए जाते थे। अब जब ट्रेन आना चालू हुई, गर्मी को देखते हुए हमने पानी वितरण का ख्याल किया। जब हमारे मन में पानी वितरण का ख्याल आया तो हमने नगर निगम में बात की। उन्होंने बोला पानी वितरण अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, उसको आप पूरा लेना चाहते हैं? हमने कहा यस, हम पूरा लेना चाहते हैं। उन्होंने हमें बोला कि 80,000 से 1,00,000 पाउच करीब करीब पानी के आपको लगेंगे। हमने बोला ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। अब पानी वितरण में हमको बहुत सारी चीज़ों पे लोगों के विचार आए कि भाई पानी वितरण की ज़रूरत क्यों है, सारे स्टेशनों में पानी के नल लगे रहते हैं, ठंडे पानी की व्यवस्थाएँ रहती हैं, अपन को पानी क्यों करना है। हमारे बीच में एक आम सहमति के लिए हमने एक जूम में मीटिंग की ऑनलाइन, उसमें हमने ये सबको बताया और हमको नगर निगम से भी निर्देश मिला पानी की जरूरत इसलिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हमारी संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों पर काम किया जाता है। समय समय पर हम अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, जैसे पर्यावरण जागरूकता के लिए वृक्षारोपण हम लोग करते हैं। अच्छा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम कन्या भ्रूण हत्या ना हो उसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं। लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो निर्धन कन्याएं हैं उनके लिए बुक्स की, कॉपीज की, बैग की, चप्पलों की सारी व्यवस्थाएं हम करते रहते हैं। इसी प्रकार हम स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता फैलाने के लिए हम नगर निगम में बैनर्स वगैरह हुए और नगर निगम को सहयोग करते हैं जैसा नगर निगम द्वारा रिक्वायरमेंट आती है। नगर निगम से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? नगर निगम का मार्गदर्शन हमको बहुत काम आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम करने जाते हैं तो उसके वेस्टेज की बहुत सारी संभावना रहती है। बिल्कुल सही। मान लीजिए हम खाना बांटने जा रहे हैं, वहाँ पहले से ही कोई खाना दे आया है तो हम पैकेट भी हम वहाँ दे देते हैं, तो वो वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही। उससे बचने के लिए नगर निगम ने एक मैनेज्ड वे में, प्लान्ड वे में सारी संस्थाओं का एक ग्रुप बनाया है। नगर निगम उसको हैंडल करती है और नगर निगम बताती है कि आज आप यहाँ कर लीजिए, आप आज यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, आज वहाँ दूसरी जगह पर ये रिक्वायरमेंट है। ये जो पानी की भी रिक्वायरमेंट हमको मिली है, ये पानी की रिक्वायरमेंट जैसे हमको दी है नगर निगम ने, तो बाकी कोई भी संस्था यहाँ पानी नहीं देती है। अच्छा। ये मैनेजमेंट जो है नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिससे जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं उनका प्रॉपर यूज हो रहा है। अच्छा। वैसे आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या कर रहे हैं? हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जैसे पानी का हमको काम मिला है, पानी हम देते हैं तो पानी हम यहाँ डंप करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी पूरा हमने डंप किया हुआ है जी। इसको बांटने का काम भी नगर निगम नहीं करती है। नगर निगम की एक प्लानिंग है प्रॉपर, जो ट्रेन आने वाली होती है उसकी बोगियों के सामने दो दो बोरी पानी रख दिया जाता है। वो भी देखने को मिलेगा हमें। वो आपको कुछ देर में जब ट्रेन आने वाली होगी उसके पहले उसकी तैयारी हो जाती है। दो दो बोरी पानी का रख दिया जाता है, उसमें जो लोग आते हैं बोगी में वो उस पानी को उठा के ले जाते हैं अपना बोरी में, आपस में बांट के वो लोग पानी यूज करते हैं, जिससे कि हम लोगों के बीच में संक्रमण की जो संभावना है वो शून्य हो जाती है। वैसे सर, सेवा देने के और भी बहुत सारे विकल्प आपके पास थे, तो आपने ये विकल्प क्यों चुना पानी का? भैया, हमारे में पास में बहुत सारे विकल्प हैं, पर हमारा ये मानना है कि जल ही जीवन, इसलिए प्रथम हमने जल के रूप में इस प्रकल्प को चुना है।
जल के रूप में हमारा जो प्रकल्प है वो उसका नाम हमारी शाखा में है अमृत धारा। ये एक राष्ट्रीय प्रकल्प है हमारा। हम समय समय में प्याऊ लगाते रहते हैं और कई जगह में प्याऊ का स्थापना करते हैं ताकि लोगों को पानी मिल सके। हमें जब नगर निगम से ये सेवा करने के लिए मौका मिला तो हमने सबसे पहले प्रकल्प इसलिए उठाया कि हमें लगता है कि पानी पिलाना एक बहुत ही धार्मिक कार्य है, इसलिए हम ये करते हैं। और भी स्थितियों में हम दूसरे प्रकल्प पे भी काम करते रहते हैं, जैसे रक्तदान है, गौ सेवा है, इनमें भी हम बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। रक्तदान में हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई गई है बिलासपुर शहर में। जितने भी थैलेसमिया पेशेंट होते हैं उनके लिए हमने निःशुल्क रक्त चढ़वाने की व्यवस्था करवाई है डॉक्टर रुपेश अग्रवाल सिस्टर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। अच्छा। उनके द्वारा जो सेवा दी जाती है डॉक्टर साहब द्वारा वो पूर्णतः निःशुल्क है। अच्छा। उनके लिए जो रक्त चढ़ाने की जो किट होती है वो हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और भारत सरकार ने भी ये घोषणा की कि जो भी रक्त थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं उनके लिए रक्त भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्लड बैंक देंगे, इसलिए ये सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। ये सेवा हम लगभग 2 साल से दे रहे हैं। आप क्या भूमिका रखते हैं संस्था में? सर, मैं प्रांतीय कार्यकारिणी में सहायक मंत्री हूँ मंडल 6 का और बिलासपुर शाखा में सचिव हूँ। तो आगे वैसे आपकी क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके से आप लोग और क्या प्लान करने वाले हैं? सेवाएं लगातार चलनी है, लोगों का आना जाना चलते रहना है, तो आपकी और क्या योजनाएं हैं सेवा भाव को लेकर? हमारी योजनाएं ये है कि हम कार्य करते रहेंगे और मार्गदर्शन के लिए हम नगर निगम पर निर्भर रहेंगे कि जो कलेक्टर महोदय या नगर निगम से हमें जो भी मार्गदर्शन मिलेगा हम सेवाएं निरंतर रूप से जारी रखेंगे। चलिए, हमारे साथ नगर निगम के एक अधिकारी हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, रमन छाबड़ा, मैं सब इंजीनियर हूँ नगर निगम में। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा मारवाड़ी जो संस्था ये काम कर रही है जी, इससे कैसा आपको सहयोग मिल रहा है और किस तरह के आप गाइडलाइन रखना चाह रहे हैं? मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ है उनके द्वारा हमें पूर्ण सहयोग मिला है। सबसे पहले इनके द्वारा राशन वितरण, खाना वितरण का प्रोसीजर किया जाता था, जब से ये ट्रेनें आनी चालू हुई है मजदूरों की तब से इनके द्वारा पर डे करीब 500 से 600 पानी पाउच मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा हमको प्रदान किया जाता है, जिसे हम मजदूरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रति बोगी हम लोग 2 पानी का बोरी सामने रख देते हैं, जिसे उनसे उतरते हैं जो मजदूर हैं और वो उठा के लेके जाते हैं और वो आपस में ही बांट लेते हैं, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो जाती है और हमारा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।